मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या भले चंगे हैं, ठीक हैं? ये यरूशलेम शहर का दूसरा हिस्सा है। पीछे गुंबद जैसे दिखाई पड़ रहा है ना, वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो सियोन पर्वत है। ऊपर कोटरी वहीं पर है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जो रात के भोजन किए थे वहीं पर, उसी जहां में। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उंडेले गए, वहीं पर कलिसिया की स्थापना की गई थी सियोन पर्वत पर। उसी के जस्ट ऑपोजिट में यीशु छुड़ाता के जागृति का केंद्र को प्रभु हमें दिए हैं, किराया में लिए हैं। वहीं पर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। वहीं पर आने वाला दिन में लगातार देश की जागृति के लिए प्रार्थना दुआएं हमेशा होगा। पहाड़ के ऊपर ये शहर बसने के चलते इतनी बहुत ही सुंदर है ना, जैसे लिखा है पहाड़ पर बसा हुआ नहर कभी छिपता नहीं है, वैसे ये नहर बहुत ही सुंदर है। मैं 40 साल के पहले यहाँ पर आया, ये सारे जगह खाली खाली पड़ा हुआ था। अभी ही फिलहाल 20 या 25 साल में ही ये सारे मकान, इतने जो दिख रहा ना, ये सारे मकान बना है। इसलिए यरूशलेम शहर बहुत ही खास शहर है। यीशु मसीह ने अपना प्राण को यहीं पर दिया है और वापस भी यहीं आने वाला है। आज परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे। निर्गमन का पुस्तक 34 अध्याय का 24वें वचन, तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा। आप ही से कहता मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरी सिवानों को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको सिवानों को बढ़ाने वाला है। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आपको सिवानों को बढ़ाने वाले। यदि आप सेवा करते हैं, सेवा के क्षेत्र को परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं। आपका जीवन के क्षेत्र को परमेश्वर बढ़ाने के लिए वो वादा करता है। एक छोटी सी कारखाना की शुरुआत करने के लिए, दुआ करने के लिए मुझे बुलाएं। मैं वहां पर गया हुआ था। छोटी सी जमीन थी, छोटी सी वहां पर कंपनी बनी हुई थी, एक वहां मशीन लगी हुई थी। मैंने वहां पर प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना करने के बाद जैसे ही बाघर आके देखा था चारों तरफ, इतना सुनसान जगह, काली काली जगह है, तो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, ये मेरे लोग हैं, मेरी आज्ञा को मानने वाले हैं, इसलिए मैं इनके जीवन में इनकी सारी बातों को, सीमा को बढ़ाऊंगा। मैंने उनसे पूछा था, आपने कंपनी शुरू की है, आपके पास कितना जमीन है? उन्होंने कहा, जितना ऑफिस बना उतनी ही हमारा जमीन है। मैंने कहा, एक वक्त आएगा, उस वक्त में सारे उस जमीन को आप कर देंगे, बड़ा एक कारखाना बनाएंगे। वो हंसने लगे क्योंकि उनके पास उतना ताकत नहीं था। कुछ साल पार होने के बाद वे सारी जमीन को कर दे बड़ा फैक्ट्री के रूप में बनाए। सैकड़ों सेवक लोग वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे ले गया, अपने सारे कारखानों को दिखाने लगे और कहे, आप जैसे कहे वैसे ही प्रभु ने हमारी सीमाओं को बढ़ा के आशीष दी। मेरे प्यारों, जी हाँ, आपका जीवन में प्रभु करेंगे। जब हमारा यीशु छुड़ाता सेवा शुरू हुई, एक जमीन, कम से कम आधा एकड़ जमीन को परमेश्वर ने दिया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में दिया। वहां परमेश्वर का घर बनाए, वहां पर उद्घाटन किए। उस वक्त में परमेश्वर ने कहा, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सारे चारों दिशा की सीमा को मैं तुम्हें बढ़ा के देने वाला हूं। उस वक्त हमने कल्पना नहीं की, क्योंकि हमारी आधा एकड़ जमीन हमारे लिए बहुत सी थी, इतनी छोटी सी मकान हमारे लिए बहुत सी थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, चारों दिशा की मैं बढ़ाऊंगा। हमने प्रभु की बात को मानी, जी हाँ प्रभु, यदि आप करना चाहते तो आप बिल्कुल करना है। आज देखिए, चारों दिशा में परमेश्वर सीमा को बढ़ाया। पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, चारों दिशा में जैसे प्रभु ने वादा किया वैसे पूरा किया। आप विश्वास करें, आज परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाएंगे, आपकी बिजनेस की सीमाओं को, आपकी सेवा की सीमाओं को, जैसे परमेश्वर ने वादा किया वैसे ही पूरा करेगा। शायद आपकी सीमा की आशीष को बढ़ाने के लिए रुकावट है, उस रुकावट को परमेश्वर आज तोड़ के दूर करेगा।
नालमावड़ी में छोटी सी गांव में हमारी सेवा को प्रभु ने शुरू की। देखिए प्रभु सीमा को बढ़ा के अभी यरूशलेम तक सीमा को बढ़ाया। यहीं पर प्रार्थना की केंद्र बनाने के लिए परमेश्वर ने जमीन को दिया ना, तो ये सब हमारे समझ से बाहर है, प्रभु ने किया। इसका मतलब आपके लिए भी वो करेंगे। विश्वास के साथ वादा को पकड़ के प्रार्थना करें। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर करेंगे। आइए दुआ करें। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरी सीमाओं को बढ़ाने वाले हैं, मेरे जीवन में आशीष को देने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ जरूर तू अद्भुत काम करेंगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन।